लग रहा है कि आइंदा जितने साल मैं घूम फिर सकता हूं, हर 23 मार्च को आपका मेहमान होऊंगा। इफ नॉट एट दिस प्लेस, एट लीस्ट आई विल बी ऑक्यूपाइंग वन ऑफ दी बैक सीट्स। लेकिन मुझे बहुत अच्छा है। खुसूसी तौर पे ये प्यारे बच्चों का जज्बा देखकर मेरे अपने बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उनमें भी कुछ न कुछ तो नई जिंदगी आई होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल क्लॉक टावर के साथ रात को हम गए थे, वहां गिला हो रहा है कि वक्त किसी का दोस्त नहीं है। तो यकीनन वक्त किसी का दोस्त नहीं है, वरना मैं भी आज से 40 साल पीछे जाने को मेरी ख्वाहिश है कि चला जाता और आप जैसे इसी तरह स्टेज पे आकर ये परफॉर्मेंस करता जो आप लोगों ने की। दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको जिंदगियां दे, आपको बरकतें दे, ताकि इसी जज्बे के साथ इसी कौम और इसी मुल्क की खिदमत आगे करते रहें। थोड़ा सा लेकिन चूंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाकिस्तान डे की मुनासिबत से उर्दू में भी बात करूंगा, इसकी रेलेवेंस ज्यादा बनती है। तो जो पश्तूनों की उर्दू होती है वो मेरी भी उर्दू है, तो अगर कहीं मेरे से का के ई की गलतियां होती है तो वो प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह भी मुझे कह रहे थे कि बाबा आपने उर्दू में नहीं बोलना क्योंकि सब लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा कि मैं बोलूंगा, जो कहेंगे उसी में बोलूंगा। तो चूंकि उर्दू में बोल रहा हूं तो जो अगर कोई इस तरह की गलती है तो प्लीज आप इग्नोर करें। दूसरी बात, उस्ताद हूं, तारीख का उस्ताद हूं, और हम लोगों की मुसीबत ये होती है कि जब शुरू हो जाते हैं तो फिर बोलना खत्म नहीं करते। तो प्लीज इस सिचुएशन के आने से पहले कि हर कोई इस तरह करता रहे, मुंह पे हाथ रख के नींद आ रही है, आप तंग हो जाते हैं, मुझे मुजाहिद साहब थोड़ा सा इशारा कर दें कि मैं रुक जाऊं, वरना मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कितना हम वक्त ले रहे हैं। और तीसरी बात, थोड़ा सा अपना रेलेवेंस आपको बता दूं इस इवेंट के साथ। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का पहला रिसर्च स्टूडेंट हूं। मेरा काम जो था फ्रंटियर मुस्लिम लीग पे था, एमफिल थीसिस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो मैंने फ्रंटियर मुस्लिम लीग पे काम किया। और हमारे मरहूम एक